गुरुवार 14 नवंबर के कारोबारी सत्र में भी भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुला है। बीएसई सेंसेक्स 123 अंकों के उछाल के साथ 77,813 अंकों पर खुला है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 44 अंकों की उछाल के साथ 23,599 अंकों पर खुला है। बाजार में पिछले कई दिनों से जारी गिरावट पर आज ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, आज के कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी देखी जा रही है, जिसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज के ट्रेड में सेंसेक्स के 30 शेयरों में 17 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, जबकि 13 में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। तेजी वाले शेयरों में HCL टेक 1.57%, NTPC 0.72%, रिलायंस 0.56%, एशियन पेंट्स 0.55%, HDFC बैंक 0.42%, SBI 0.48%, टेक महिंद्रा 0.39%, इंफोसिस 0.31%, एक्सिस बैंक 0.29%, बजाज फाइनेंस 0.24% की तेजी के साथ, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट 2.08%। वहीं पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड 1.57%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.25%, HUL 1.12%, मारुति 0.76% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आज के कारोबार में बैंकिंग, IT, ऑटो, मेटल्स, रियल एस्टेट, एनर्जी, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के शेयरों में खरीदारी देखी जा रही है। केवल FMCG और हेल्थ केयर स्टॉक्स में गिरावट है। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप 12 जून 2024 के लेवल पर आ गया है, यानी इस अवधि में निवेशकों ने जितनी कमाई की वो सब उन्होंने विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते आई गिरावट में गवा दी है। BSE पर लिस्टेड मार्केट स्टॉक्स का मार्केट कैप 430.61 लाख करोड़ पर खुला है, जो पिछले सत्र में 429.46 लाख करोड़ रुपए रहा था। पिछले तीन दिनों में निवेशकों को 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ज्यादातर एशियाई देशों के शेयर बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। हैंगसेंग 0.70%, ताइवान 0.63%, सेट कंपोजिट 0.57%, जकार्ता कंपोजिट 0.95% और शंघाई का शेयर बाजार 0.28% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। केवल निकेई और कॉस्टी के मार्केट्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आज के कारोबार में बाजार को सबसे बड़ा सहारा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक से मिला, जिसमें खरीदारी देखी जा रही है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।